वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामा पिपते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशिषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण तस्य एतस्य उस इसका निसंदेह तस्येति प्रकृतम प्राणमविसंबंध संबधनाति विशुद्ध्यादि गुणवत्तया प्रकृतस्य इत्यर्थः। अविसंधात् परामृशति अविसंबंध ज्ञाति अविसंबंध ज्ञाति प्राप्त प्रसंग में प्राण के उत्कर्ष का ख्यापन किया गया है। प्राण विषयाशक्ति से विनिर्मुक्त जीवनी शक्ति प्रदायक है, इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। भोग और कर्म में इंद्रियों की समाशक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन प्राण विषयाशक्ति से विनिर्मुक्त है। प्राण के द्वार से ही सेवित अन्न जलादि का उचित सारभाग अंतःकरण कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त होता है। तभी अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय में कार्यक्षमता का संचार होता है। प्राण सबका पोषक उपोद्बलक है, तथापि वह विषयाशक्ति से सर्वथा विनिर्मुक्त है। वाक इंद्रिय का इसलिए महत्व है क्योंकि वाक के माध्यम से ही मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन प्राण जब वाक से तादात्म्यपन्न हो जाता है तब वाक के द्वारा वचन का विन्यास संभव है। वाक का भी उपोद्बलक प्राण ही सिद्ध है, यह अभिप्राय है। हैतस्य इति मुख्यं व्यपदिश्यत्यभिनयेन। हैतस्य ऐसा कहकर मुख्य जो प्राण है अभिनय के द्वारा उसको लक्षित किया जा रहा है, जैसे उंगली के द्वारा संकेत किया जाए वैसे ही। यह जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण का अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रिय का नाम भी प्राण है, प्रसंगानुसार ज्ञानेंद्रिय का नाम भी प्राण है, अंतःकरण का नाम भी प्राण है, प्राणादि प्रभेद का नाम भी प्राण है। तो मुख्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उज्जीवक प्राणादि प्रभेद का ही ख्यापन होता है। उसमें भी मुखगत जो आध्यात्मिक पवन है उसका नाम प्राण सिद्ध होता है।
अभिनय के द्वारा अभिनय को भी नाट्यशास्त्र में पृथक से प्रमाण माना गया है, लेकिन वेदांत प्रस्थान में छह प्रमाणों में विशेष प्रमाण के अंतर्गत अभिनय को स्थान प्राप्त है। सामना साम शब्द वाच्यस्य प्राणस्य या स्वम धनम वेद तस्य किम स्यात्। सामना साम शब्द वाच्यस्य प्राणस्य, यहाँ पर साम शब्द का अर्थ प्राण सिद्ध होता है। भला किस प्रकार, यह हम पहले कह चुके, सा स्त्रीलिंग है, अमह पुल्लिंग है, सा का अर्थ कर दिया गया विवक्षावसात वाक, अमह का अर्थ कर दिया गया प्राण, वाक और प्राण दोनों का ग्रहण होता है साम कहने पर। कभी प्राण वाक से तादात्म्यपन्न हो जाता है, कभी वाक को अपने में समाहित कर लेता है। तो वाक और प्राण प्रकारांतर से जो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाचक पदार्थ हैं सब साम के ही विषय मान्य हैं, परंतु यहाँ पर वाक का सन्निवेश जब प्राण में कर दिया जाता है तो साम का अर्थ प्राण ही सिद्ध होता है। प्रसंगानुसार किसमें किसका सन्निवेश हो, अंतर्भाव हो, या विद्या और कला भी यहाँ प्राप्त है। उस प्राण का जो स्व है, स्वम माने धनम, स्व का अर्थ अपना आपा भी होता है, आत्मी, आत्मा आत्मी और धन के अर्थ में स्व शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर स्वम का अर्थ है धनम। इस प्राण के धन को जो जानता है उसे क्या फल मिलता है, तस्य किम स्यात्, प्राण का धन क्या है और उसको जानने पर फल क्या प्राप्त होता है ज्ञाता को, यह अभिप्राय। भवति हास्य स्वम, उसका धन क्या है इसको कहा गया। स्वम वेद भवति हास्य स्वम तस्य वै स्वर एव स्वम, स्वर ही उसका क्या है, धन है। फले न प्रलोभ्याभिमुखी कृत्य शुश्रूव शुश्रूषव आह तस्य वै सामना स्वर एव स्वम। या अब जब प्राण को वाक से एकीभूत कर देते हैं तब राग रागनी आदि की अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति वचन का विन्यास करता है। इस प्रकार से सुस्वरता जो है वही धन हो गया प्राण का। प्राण को जब वाक के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो वाणी में जो माधुर्य है, सुस्वरता है, उसी का नाम धन हो गया। स्वम धनम, स्वर शब्द का प्रयोग धन के अर्थ में भी होता है। भवति हास्य स्वम फले न प्रलोभ्याभिमुखी कृत्य शुश्रूषव आह, फल के द्वारा प्रलोभ्याभिमुखी कृत्य, प्रलोभन देकर सुति, जैसे बच्चे आदि को मोदक का प्रलोभन दिया जाता है उसी प्रकार सुति जो इस प्रकार जानता है उसको इस प्रकार का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहकर। तस्य वही सामना स्वर एव स्वम, उस साम का प्राण का स्वर ही स्वम है, धन है। प्राणभावापन जो वाक है उसमें जो स्वर माधुरी है वही धन है। स्वर इति कंठगतम माधुर्यम, वही कहा, कंठगत जो माधुर्य है वही धन है। स्वर का धन क्या है, कंठगत स्वर क्या है, साम का धन स्वर, स्वर क्या हुआ, कंठगत माधुर्य।
प्राण को वाक से एकीभूत कर दिया और वाक का जो विन्यास होता है उसमें जो स्वर लहरी होती है, स्वरगत माधुर्य होता है या वाकगत माधुर्य होता है, वही उसका धन है। तदेव अस्य स्वम भूषणम, स्वर शब्द का अर्थ माधुर्य है, प्रसंगानुसार भूषण भी है, वही उसकी शोभा है। क्या स्वर में माधुर्य होना चाहिए, कर्कशता नहीं होनी। जहाँ तक बन सके जीवन में कर्कशता से दूर रहे। वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज घूम रहे थे, मैंने देखा कि एक नीम का वृक्ष था, तो सर्दी के दिनों में नीम के कारण सूर्य का प्रकाश क्षेत्र में फैल नहीं रहा था, तो वहाँ के व्यवस्थापक ने शाखाओं को कटवा दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वृक्ष की शाखाओं ने कुछ अपराध किया होगा तभी दंड मिला होगा। ऐसा व्यवस्थापक लोग समझ गए कि भूल हुई, महाराज को यह पसंद नहीं आया। ऐसे ही कंठगत माधुरी चाहिए, कर्कशता ना हो वाणी में। भाषा को लेकर भी है, बोलने के प्रसंग को लेकर भी, कतौ जाय छी, कतौ जाय छह, कतौ, ये सब तेन ही भूषितम रिद्धिम अलक्ष्यत उद्गानम। उस्वर लहरी से समृद्ध हुई जो वाक है, जिसको यहाँ पर प्राण कहा गया, उसी के द्वारा उद्गान होता है। यज्ञ में उद्गाता उद्गान करते हैं, उनकी स्वर माधुरी लोगों को आकृष्ट करती है। उद्गाता को चाहिए कि अपनी वाणी बुलंद रखें, सुस्वरता उसमें हो, माधुर्य हो। यस्मादेव तस्मात् आर्तविद्यम ऋत्विक कर्मोद्गानम करिष्यन् वाचि विषये वाचि वागासितम स्वरमिच्छेत। जबकि बात ऐसी है, इसलिए ऋत्विक कर्म का संपादन करने वाले जो उद्गान करते हैं, उनका कर्तव्य है कि अपनी वाणी में स्वर माधुरी को सन्निहित रखें, क्योंकि वह स्वर माधुरी ही धन है। धनवत्ताम स्वरेण चिकित्सु उद्गाता, अपने आप को समृद्ध रखें, इसका मतलब स्वर माधुरी से संपन्न रखें। चौवे लोग जो मथुरा के भांग बहुत पाते हैं, तो उनका गला स्वभाव से ही मोटा होता है। चंदन चौबे जी की बात अलग, तो वे लोग गद्य तो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं अभिनय में, जब उनको गीत गाना होता है तो चौबे लोगों के गीत लोगों को पसंद नहीं होते, गला मोटा हो जाता है भांग पीते पीते। स्वरिति कंठगतम माधुर्यम तदेव अस्य स्वम भूषणम तेन ही भूषितम रिद्धिम अलक्ष्यत उद्गानम। क्या धनवत, या रिद्धि को समृद्धि को प्राप्त, स्वर माधुरी का बहुत महत्व है। चिकित्स उद्गाता, उद्गाता का कर्तव्य है कि वह अपनी वाणी को मधुर बना के रखे, वाणी में माधुर्य का सन्निवेश हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। केवल इच्छा से काम नहीं बनता, तदनुकूल उसको
आहार विहार आदि का सेवन भी करना चाहिए, कुल्फी आदि से बचना चाहिए। क्यों? कुल्फी खा लेगा तो फिर क्या होगा? स्वर विकृत होगा या नहीं? गला बन जाएगा। ऐसे इदम तु प्रासंगिकम विधीयते सामना स्वर्येण स्वत्व प्रत्यय कर्तव्य इच्छा मात्रेण सौसर्यम न भवति इति दंत धावन तैल पानादि सामर्थ्यात् कर्तव्यम इत्यर्थ। इदम तु प्रासंगिकम या प्रासंगिक है, सौसर्यवांछनम वाणी में सुस्वरता के आधान के लिए, मेरी वाणी सुस्वरता से संपन्न हो इसके लिए सामना सौस्वर्येण स्वत्व प्रत्यय कर्तव्य। स्वत्व प्रत्यय स्वर में धन जो है माधुर्य, उस माधुर्य को वाणी में सन्निहित करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। इच्छा मात्र न सौसर्यम न भवति, भगवान वासुकार ने लिखा है इच्छा मात्र से सौसर्य हमारे गला क्यों? वो जो सत्तू देते हैं ना ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में, प्यास लगती होगी इसलिए देते होंगे, कौन? सुरेश जी, तो गले ही बच जाता है। बर्फीला ठंडा पानी। सौसर्यम मैथिली में क्या बोलते? मैं ही, सूक्ष्म आवाज, मैं ही माने सूक्ष्म, हाँ मधुर और मैं ही आवाज होने चाहिए। सूक्ष्म हो, कर्कशता न हो, मधुर हो। इच्छा मात्र न सौसर्यम न भवति इति दंत धावन तैल पानादि सामर्थ्यात् कर्तव्यम। वाणी में सुस्वरता की अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रयत्न भी करना चाहिए। दंत धावन, दांतों में मैल जमा रहेगा तो उच्चारण ठीक से मधुर नहीं होगा, और जिह्वा पर अगर हाँ मैल जम जाए तो भी काम नहीं बनेगा। तैल पान आदि, तिल से निर्मित तैल होता है, तिल आदि के जो तैल होते हैं उनका पान करने पर क्या होता है? तेजस प्राय जो पदार्थ होते हैं तो वाक में उद्दीप्तता आती है, स्वर लहरी ठीक रहती है। मुलेठी आदि का पान करे, मुलेठी का चूर्ण भी पावे चूसे, उससे भी स्वर में मधुरता आती है। तयैव संस्कृतया वाचा स्वर संपन्नया अर्थविजयम् कुरियात्। तया एवं, इस प्रकार से स्वर माधुर्य को प्राप्त। आज के समय में जो बनावट हो गई रहन सहन आदि की, वो धर्म संघ वाले गुरु जी जब कोई उच्चारण आदि नहीं कर पाता था तो कहते थे दातुन किया करो, और अगर ये जो टूथपेस्ट आजकल करते हैं इससे उच्चारण ठीक से नहीं बनता है संस्कृत का, और अगर नीम की दातुन आदि करते हैं तो बहुत अच्छा उच्चारण होता है, तो लेकिन आजकल की प्रकृति ऐसी नहीं रह गई तो क्या किया जाए? मंजन आजकल क्या वो प्रचारक न बन जाओ, बंद है अभी नहीं? ये जो और क्या रामदेव और ने जो मंजन तैयार किया है उसमें जो सामग्री है सब गला के लिए बहुत बढ़िया है। आपके पास इन्होंने हम अच्छे गायकों में रहे गिने जाते थे, नाचने वालों में भी बहुत बढ़िया, नृत्य भी करना जानते थे, गाना भी, कबड्डी भी, कुश्ती भी। हो गया तयैव, वो तो नहीं आए होंगे ना रघुआ जी, वो भी विचित्र ही है, गला बन जाता बहुत ठंडे पानी में। तयैव संस्कृतया वाचा स्वर संपन्नया अर्थविजयम् कुरियात्।
सुसंस्कृत वाणी से, स्वर संपन्न माधुर्य गुण संपन्न वाणी से आरित्विद्यम कुर्यात् के अर्थवा ऋत्विक कर्म का संपादन करे, यह अभिप्राय हुआ। उद्गान करने के लिए अपनी स्वर लहरी को ठीक रख। तस्माद् यस्माद् साम्ना स्वभूता स्वरस्तेन स्वेन भूषितम साम। स्वभूत स्व का अर्थ यहाँ पर धन, प्राण का धन क्या है, प्राण का अर्थ हो गया वाक, वाक का धन क्या है स्वर माधुर्य, वही माधुर्य गुण संपन्न होना चाहिए, आवाज में ही बारीक हो मधुर हो। हरियाणा वाले टोन कख जैसे रे ऐसा बोलते वहाँ, अरे राम रे, हाँ छोटा भाई बड़े भाई को कख जैसे रे, और मुजफ्फरनगर आदि की बोली तो तू तरह कैसी होती है कि वो मिथिला वाला कोई पहुंच जाए तो उसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाए। उनके लिए वो स्वाभाविक है, लेकिन वो इतनी उधर की वाणी मुजफ्फरनगर आदि की वाणी, हम गए पहले पल तो अरे राम रे राम को लगा कहाँ आके बस फंस गए, बहुत विचित्र वाणी हो खरी बोली। उनके लिए वो मीठी है, लेकिन उधर वाला व्यक्ति चला जाए तो ब्रेन हेमरेज ही हो जाए। हरियाणा की निंदा में तात्पर्य नहीं है, वहाँ गोरस बहुत है, बहुत प्रसन्न, खूब मक्खन खाओ हरियाणा लेकिन उधर की वाणी ऐसे। तस्माद् यस्माद् साम्ना स्वभूता स्वरस्तेन स्वेन। एक बार गंगाधर जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हरियाणा के व्यक्ति से बड़े बड़े डंडा लेके हो ट्रेन में, उनका चलने वाले गंगाधर विजिटर है उड़ीसा पुरी के, उनके जगह पर बैठ गए वो लोग। ऐसा उन्होंने कहा कि हम तो लगे थे हमको डंडा न मार, बेचारे उड़ीसा के व्यक्ति। उन दिनों 30 साल पहले उड़ीसा की क्या स्थिति थी, कोई एक गाल पे चाटा मारे तो कहते थे आज क्या दिन ऐसे है भाई, इस गाल पर भी एक चाटा मार दो ऐसा। उन्होंने हरियाणा के व्यक्तियों को ट्रेन में देखा, इतने बड़े डंडे लिए, वो कोई मारते नहीं थे, डंडा लिए बेचारे गंगाधर जी ने कहा अपनी सीट छोड़ दी, ऐसे दुबक के हम रहे जब तक वो लोग रहे, हमको डर रहा है तो कांप रहे थे कि माँ मार न दे। तस्माद् यस्माद् साम्ना स्वभूता स्वरस्तेन स्वेन भूषितम साम्ना, अतो यज्ञ स्वरवंतम उद्गातारम निरीक्षता एवं दृष्टुमिच्छन्ति एव धन धनिनम इव लौकिका। यही बात है कि यज्ञ में जो मधुर स्वर से गान करने वाले उद्गाता होते हैं उनको देखने की इच्छा से व्यक्ति आ जाते हैं, क्यों नहीं, स्वर लहरी रूप धन उनके पास है, जैसे लोक में धनी व्यक्ति के दर्शन के लिए लालायित लोग रहते हैं, ये टाटा है बिरला है, अब तो बिरला का नाम कम आ गया, टाटा का नाम भी कम आ गया है, ये मोदी हैं, ये टाटा हैं, बिरला कौन है, टाटा हैं अंबानी हैं, अंबानी हैं, प्रधानमंत्री जी के बहुत अनुग्रह पात्र हैं। यदि क्षमता एवं दृष्टुम इच्छन्त्या एवं धनिनम एवं लौकिका, जैसे धनी व्यक्ति भी लक्ष्मी संपन्न है ना, आखिर उद्यम किया होगा, बुद्धि का उपयोग किया होगा, तब तो धन मिला होगा ना, इसलिए धनी व्यक्ति को जैसे लौकिक व्यक्ति देखना चाहते हैं, एक झाकी तो कम से कम करोड़पति अरबपति की मिल ही जाए, ऐसे ही क्या है प्राण का धन क्या है, प्राण का अर्थ हो गया वाक, वाक का अर्थ हो गया स्वर लहरी, जिनके स्वर में माधुरी है उसको लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसके मुख से कुछ गान सुनने को मिल जाए तो वह भाग्य मानते हैं। प्रसिद्धम ही लोकेथोपि अस्य यस्य स्वं धनं भवति तं धनिनं दिदिक्षन्त इति।
या तथ्यत लौकिक न्याय से भी सिद्ध है। जिसके पास धन होता है उसको लोग देखने की इच्छा करते हैं, धनी है। किसी के पास विद्या रूप धन है, किसी के पास स्वर रूप धन है, किसी के पास ये सब लक्ष्मी रूप धन है, किसी के पास सरस्वती रूप धन है, किसी के पास स्वर्णहरी रूप धन है। सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध उपसंहार क्रियते भवति हास्य स्वम य एवं एतत् सामना स्वम वेद इति। गुण विज्ञान फल, जिस वस्तु में जो गुण है उस गुण को ठीक से समझ लें और मन में जो तादात्म्यापत्ति की योग्यता है उस तादात्म्यापत्ति की योग्यता का उपयोग करें तो उसमें जो दिव्यता है उसका आधान अपने जीवन में भी हो सकता है। सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंधस्य, गुण विज्ञान का फल क्या दिया गया वह भी धनी हो जाता है। भवति हास्य स्वम या एवं एतत् सामना स्वम वेद्या इति, अर्थात उसके जीवन में भी स्वर लहरी की प्रतिष्ठा हो जाती है। कंठ माधुरी रूप बाह्य धन को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। उसके धन को जाना फलस्वरूप यहाँ भी धन मिलेगा, उसके स्वर लहरी भी मधुर होगी, बाहर से उसको धन भी प्राप्त होगा। अब आनंदगिरी उद्गीत देवता से, हाँ यहीं से आनंदगिरी 138। उद्गीत देवता का अर्थ होता है उद्गात्र कर्म क्या देवता, उद्गाता जो गान करते हैं उसके जो देवता हैं। प्राण एवेति वाक उपसर्जन प्राण, वाक से एकीभूत जो प्राण वही देवता है। निर्धार्य, इस प्रकार का निर्धारण प्राप्त हुआ किया। स्वसुवर्ण प्रतिष्ठा गुण विधानार्थ उत्तर कंडिका त्रय ममता रहती तस्य इत्यादि न। स्वसुवर्ण प्रतिष्ठा गुण विधानार्थम, स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा, सुवर्ण देखो भाई इनको संभाल के ले जाओ, गिर गिराना पड़े। सुवर्ण का अर्थ दो हो गया, वर्णमाला में वर्ण है तो वाक भी सुवर्ण है, और सुवर्ण सुनहरे रंग वाला जो सोना, सुनहरा रंग सुवर्ण, गेहुआ रंग, गेहूं का रंग भी सुवर्ण जैसा होता है तो गेहुआ रंग बोलते हैं सुवर्ण, सुनहरा। सुवर्ण प्रतिष्ठा गुण विधानार्थ मुत्तर कांड त्रय अवतारयति। सोना सुवर्ण का अर्थ यह हुआ, वाक के लिए भी, और सुवर्ण सोने का रंग अच्छा होता है, प्रसिद्ध होता है, इसलिए सुवर्ण को भी सोना को भी सुवर्ण कहते, मूल सब सुवर्ण है। हमारे जीवन में सुवर्ण प्रतिष्ठा हो, बाहर से सोने भी खूब मिलें, अंदर से स्वर लहरी में भी माधुरी हो। उत्तर कंडिकात्रय की अवतरणिका भाष्यकार भगवान प्रस्तुत करते हैं, श्रुति स्वयं भी तस्य हैतस्य कहकर इस तथ्य को उद्भाषित करती है कि मित्यादौ फलम अभिलप्यते तत्र फलेन इति।
स्वपदार्थ तद्वेदना लपनार्थ प्राप्त। इस प्रकार के ज्ञान से क्या फल प्राप्त होता है, क्योंकि निष्फल निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होती। फल का वर्णन कर देने पर व्यक्ति रुचिपूर्वक निष्ठापूर्वक आह्लादपूर्वक उपासना में कर्म में प्रवृत्त होता है किसी कार्य में। इसलिए सौवर्णम सौसर्यम सौस्वर्यम सामनोभूषणम। सामवेद उद्गान का भूषण क्या है? सौस्वर्य। सौस्वर्य का अर्थ होता है सुंदर लहरी, स्वर माधुर्य से संपन्न वाणी हो, भूषण है वह। इत्यानुभव अनुकूलयति तेन हीति कथम तरी कंठगतम माधुर्यम संपादनीयम इत्याशंका। ठीक है भाई, तब तो जब इतना महत्व है तो मेरा भी मन चल गया कि कंठगत माधुरी का संपादन करना चाहिए। तो कैसे स्वर में माधुरी का संपादन हो, हमारा स्वर कैसे मधुर हो? तो कहते हैं कि दंत धावन करो। यह उत्तम चिड़चिड़ा मध्यम भाट अपामार के जो जड़ के जो दांत बने वो सबसे बढ़िया। उसमें वो आजकल जो वो करते हैं ना टूथ पाओ, वो फेन स्वाभाविक होता है। चिड़चिड़ा अपामार को उखाड़ लें, उसके जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है उसका जो दांतमन होता है सबसे बढ़िया। और एक पेट के कीड़े को बाड़ने के लिए भांट बोलते हैं। इधर पहले गड्ढे में बहुत पेड़ था ना छोटा छोटा, इतना इतना फूल होता लाल लाल, वो मध्यम कोटि का दांतमन है, बाकी सब फल। मैथिली में उत्तम तो है अपामार का दांतमन। अपामार को यूँ खींचे, जमीन के अंदर का जो श्वेत वर्ण निकलेगा, जड़ निकलेगी, उसको चाकू से काट के उससे करे तो लाभ भी होगा, मन बहुत बढ़िया। पहले क्या होता था, यहाँ जो कुएँ हैं, कुआँ है ना, पहले जो लोग रहते थे, और भगवान का मंदिर भी है, इतने कम से कम दांतमन होते थे, वहीं लोग नहाते थे कुएँ पे, तो दांतमन भी करके वहीं सब छोड़ देते थे। तो आकर हमने फिर कुएं पे नहाने का प्रतिबंध लगाया, दांतमन दांतमन अब नहीं। अब तो मंजन का युग चल गया, या कुछ क्या क्या लगाते हैं। पूज गुरुदेव गाय के गोबर के कंडा में आग लगा दे, अध जला हो जाए तब उसको परात से ढक दे, उसके बाद जब कोयला जैसा वो हो जाए तो उसको चूर्ण बना ले, उसमें कुछ सेंधा नमक आदि डाल दे, उसी का मंजन करते थे। गाय के गोबर के कंडे में आग लगा दे, अध जला हो जाए, बस उससे फिर मंजन, ये भी बहुत बढ़िया होता। यहाँ होते पूज गुरुदेव उसी का तेल मिला दिया जाए, वो मिलाते ही थे, नमक मिला दिया जाए, सेंधा नमक और तेल, अजवाइन मिला दिया जाए। हाँ ये सब पूछ लो भाई, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ पूज गुरुदेव तो उसी का करते भी थे। कथम तरी कंठगतम माधुर्यम, वो नहीं आए ना क्या सुरेश जी, उनको कहेंगे गला हमारा खराब कर देते हो ठंडा पानी देख। कथम तरी कंठगतम माधुर्यम संपादनीयम, कंठगत माधुरी का संपादन भला कैसे करें? तो कहा कि दंत धावन करना चाहिए, तैलपान करना चाहिए, प्राणोहम ममैवा गीति भावक भावम आपन्नस्य सौसर्यम धर्मिति प्रकृति प्राण विज्ञाने गुण विधिर्विवक्षिता चेत
किमित्युद्गातु अन्य कर्तव्यम् उपदिश्यत इत्याशंक्य दुष्टफलतये इत्याह इदम् च्युति। अब उद्गीथोपासना प्राणोपासना में प्राणोहम ममैव गीति भावापन भावमापन्नस्य सौसर्यम धनम, ये बहुत बढ़िया पंक्ति। प्राणोहम मैं प्राण हूँ, इस प्रकार की भावना करे। प्राणोहम मैं प्राण हूँ, ममैव गीति भावम आपन्नस्य सौसर्यम धनम। गीति भाव को प्राप्त जो सौसर्य है, स्वर लहरी है, माधुरी है, वह मेरा ही धन है। ऐसा प्राणोहम आंग्रह उपासना इसको कहते हैं। मैं प्राण हूँ, ममैव गीति भावम आपन्नस्य सौसर्यम धनम। गीति भाव को प्राप्त जो सौसर्य है, स्वर माधुर्य है, वह मेरा ही धन है। या प्राणोहम ममैव गीति भावम आपन्नस्य सौसर्यम। गीति भावापन जो सुस्वरता है, मेरा यही धन है। प्राणोहम कहने से क्या अर्थ हुआ? वाक से प्राण की तादात्म्यापत्ति हो गई, प्राण और वाक दोनों एक हो गए। आंग्रह उपासना में प्राणोहम इस प्रकार का भाव हो गया। तो गीति भावापन्न जो स्वर लहरी है, वो मेरा धन है। इस प्रकार से प्रकृति प्राण विज्ञान गुण विवर विधि विभक्त चिता चेत प्राप्त प्रसंग में गुण प्राण विज्ञान में गुण विधि अगर विवक्षित है, तब उद्गाता को क्या करना चाहिए? इस पर कहते हैं कि दंत धावन आदि ठीक से करना चाहिए, दांत में जीभ में मैल न रहे, और बन सके तो मुलेटी का चूर्ण ले। इसी प्रकार से तेल पान इत्यादि के द्वारा स्वर लहरी उद्दीप्त रखे, स्वर सौष लहरी को उद्दीप्त रखना चाहिए। यह हुआ मैं प्राण हूँ। गीति भावापन्न जो सौसर्य है, सौस्वर्य है, स्वर लहरी है, वही मेरा धन है। अपने धन को खिसकने न दे, कोई इस प्रकार का आहार विहार न करे कि स्वर की स्वस्वर सुस्वरता समाप्त हो जाए। कुल्फी इत्यादि खा करके गला खराब न करे। क्या बढ़िया लगे कुल्फी? हाँ ये ठीक है। अथेच्छायाम कर्तव्यत्वेन भीतायाम तावन मात्र सिद्धेप्य कथम सौसर्यम सिद्धे। कहते केवल इच्छा से ही काम चल जाएगा क्या? कहते इच्छा मात्र से क्या होगा, तदनुकूल प्रयास भी करना आवश्यक होगा। अथ इच्छायाम कर्तव्यत्वेन विहितायाम तावन मात्र सिद्धेप्य कथम सौसर्यम। इच्छा तो हो गई कि भाई इनके समान मैं भी गायक बन जाऊँ, स्वर लहरी मेरी भी उद्दीप्त रहे। शेर की इच्छा हो गई कि मुँह में आकर के मृग घुस जाए उससे क्या होगा, उसको पराक्रम भी करना होगा ना। ऐसे ही इच्छा तो हो गई कि मैं भी गायक बन जाऊँ, बढ़िया स्वर लहरी हो जाए। चंदन चौबे या लता मंगेशकर ही बन जाऊँ, इससे होगा क्या? तावन मात्र सिद्धेप्य कथम सौसर्य सिद्धेत सिद्धेत। केवल इच्छा मात्र से तो काम नहीं बनेगा, नहीं स्वर्ग कामना मात्र न स्वर्ग सिद्धेप्य। अतः स्वर्ग मिल जाए तो बहुत बढ़िया, फिर क्या कहना। स्वर्ग की कामना हो गई, पवियजेत भी है ना, याग करो। स्वर्ग मिल जाता तो बढ़िया, इससे काम नहीं चलेगा। इच्छा के बाद भी तदनुकूल प्रयत्न होना चाहिए। सामना इति ऐसा
एक उड़ीसा के कोई साधक थे, वहाँ दिल्ली में रहते थे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि उर्वशी मिल जाए तो बढ़िया। स्वयं बताया उन्होंने, नाम वाम में भूल गया, तो उर्वशी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। उर्वशी बाबा थे, लेकिन उर्वशी को मिलने के लिए कोई जन्म कोई मंत्र जपने लगे। भगवान की कृपा हुई, ऐसी विकराल कोई देवी प्रकट हुई, खालू खालू, हम नहीं नहीं हम गुरुवशी नहीं चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने कहा, देखिए भगवान ने हमारा योगक्षेम वहन किया, कोई सुंदरी का दर्शन नहीं हुआ, विकराल देवी खाने के लिए बार बार घूर के दे तैयार। उन्होंने कहा क्षमा करो, हम उर्वशी नहीं चाहिए हमको। सच्ची घटना है। तावन मात्र सिद्धे पी कथम सौश्वर्यम सिद्धे नहीं स्वर्ग कामना मात्र न स्वर्ग सिद्धत इत्यादि। स्वर्ग की कामना मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति थोड़े हो जाती है, तदनुकूल यजेत याग इत्यादि का अनुष्ठान भी करना पड़ता है। तस्य सुस्वरत्वेन तत्शब्दितस्य प्राणस्य उपासकात्मकस्य स्वरवत्व प्रत्यय कार्य सति भीतेच्छा मात्रेण सामना सौसर्यम न भवति यस्मात् तस्मात् सामर्थ्यादंत धावनादि कर्तव्यम इत्येतदत्र विधित्सित मिति योजना। भगवान भाष्यकार ने जो पंक्तियों का विन्यास किया अन्वर्थ प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार योजना करनी चाहिए, क्रियाकारक फल का सन्निवेश क्रमशः करना चाहिए। तस्य सुस्वरत्वेन तत्शब्दितस्य प्राणस्य उपासकात्मकस्य प्राणोपासक को स्वर लहरी चाहिए। तो केवल विहित इच्छा मात्रेण सामना सौसर्यम न भवति, विहित इच्छित वस्तु की इच्छा मात्र से ही उसके जीवन में स्वर सौंदर्य की ला स्वर सौरभ सौरस्य की प्राप्ति नहीं होती है, सौसर्य सौस्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए उसको प्रयत्न भी करना चाहिए, दंत धावन आदि। दंत धावन है, फिर क्या है, तेल पान इत्यादि कर्तव्यम। यह तो कर्तव्य, बचना किससे चाहिए, बर्फीली बहुत ठंडा बहुत ठंडक पहुंचाने वाली वस्तु आदि का सेवन न करें, दही इत्यादि का सेवन न करें। विदिशित मिति योजना। सौसर्यस्य सामभूषणत्वे गमकमाह तस्मादिति। सौसर्य जो है साम का भूषण है, इसमें गमक क्या है, साधक हेतु क्या है, ये तो बताइए। इस पर कहा तस्मादिति भाष्य में, तस्मादिति यह, जबकि बात ऐसी है इसलिए तस्माद यस्मात् सामना स्वभूता स्वरस्तेन स्वेन भूषितम साम अतो यज्ञ स्वरवंतम उद्गातारम निदृक्षंत एव द्रष्टुम इच्छन्ति एव धनिनम इव लौकिकाः। दृष्टान्तम अनंतर दृष्टान्तम अनंतर वाक्य वाक्यावष्टम भेन स्पष्टयति। दृष्टान्त जो है अनंतर, वाक्याष्टम भेन वाक्य के अनुरोध से दृष्टांत को ही स्पष्ट करते हैं। प्रसिद्धम हिति, इस प्रसिद्धम ही लोकेथो अपि यस्य स्वम धनम। लोक में यह प्रसिद्ध है कि जिसके पास धन होता है लोग उसे देखने की इच्छा करते हैं, धनी व्यक्ति को देखने की इच्छा करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं धनी का दर्शन होने पर। भवत हास्य स्वरम इति प्रागेव उक्तत्वात् अनर्थिका पुनरुक्ति इत्याशंका सिद्धस्य इति। अब कहते हैं कि इसे स्वम धन के रूप में स्वर लहरी की प्राप्ति होती है, पुनरुक्ति निरर्थक है, कहते नहीं। सिद्धस्य
सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध सुप संभार क्रियते। निगमन रूप वाक्य है यहाँ पर। कंक्लूजन सार लबो लवाब को श्रुति स्मरण दिलाने के लिए विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा यहाँ पर पुनरुक्ति दोष के रूप में प्राप्त नहीं है। और 26वां यही ना, तस्य सामनो या सुवर्णम वेद भवति हास्य सुवर्णम, तस्य वैश्वर एव सुवर्णम भवति हास्य सुवर्णम, या एवं एतत् साम्न सुवर्णम वेद। तस्यः एतस्य साम्नो यसुवर्णं वेद, या जो प्राप्त साम है उसके सुवर्ण को, प्रसंग प्राप्त जो उसका सुवर्ण है उसको जानता है, उसको सुवर्ण की प्राप्ति होती है। स्वर ही सुवर्ण है साम के, साम के सुवर्ण को जानता है उसे स्वर सुवर्ण की प्राप्ति होती है, उसका स्वर ही सुवर्ण है। लेकिन साम का जो स्वर सुवर्ण है, सुवर्ण वर्ण से ही शब्द की प्राप्ति होती है, शब्द से ही वाक्य की प्राप्ति होती है, उसी में अगर माधुरी जुड़ जाए तो स्वर लहरी व्यक्ति को प्रबंधित करने में समर्थ होती है, इसलिए कहा जो इस प्रकार स्वर ही सुवर्ण है, साम का स्वर ही सुवर्ण है, इस रहस्य को जानता है, साम के सुवर्ण को जानता है, वह कोई भूखे नहीं मरता, लौकिक सुवर्ण या स्वर उसे प्राप्त होता है। ये बार बार क्यों ऐसा कहा गया है छांदोग्य में बृहदारण्यक में, या जो विद्या है इसमें जो दिन रात रमा रहेगा लगा रहेगा तो भूखे मरेगा फिर, यही कहेंगे ना। तो विद्या में ही वो वैभव सन्निहित है, इस प्रकार की उपासना जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो उसे अनायास धन की भी प्राप्ति होती है। विद्या जो है सरस्वती लक्ष्मी को लाके रख देती है, लक्ष्मी संपन्न जो व्यक्ति हैं आस्था पूर्वक उसके योगक्षेम का निर्वाह करते हैं, भगवान क्या यह विधान है, नहीं तो ऋषि मुनि भूखे ही मर जाते फिर क्या। सबसे ज़्यादा तो हमारे आश्रम में भूखमरी होती फिर मठ में क्या, धन कहाँ से आएगा, ये आएगा कुछ तो एक मिनट भी चिंतन नहीं है, सात आठ घंटे तीन घंटे पढ़ाते हैं, एक घंटा प्रवचन करते, चार घंटे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हैं, फिर हाँ फिर शाम को पढ़ते हैं, फिर रात के 10 बजे तक पढ़ते हैं प्रवचन के बाद भी, तो सबसे ज़्यादा भुखमरी तो हमारे यहाँ ही हो, कुछ यहाँ से लो वहाँ से लो, कोई उद्यम नहीं कुछ नहीं, तो भगवान क्या है, योगक्षेम वहन करते ना, विद्या अपने आप में योगक्षेम वहन करती है। दाजी जैसे व्यक्ति मनोबल से धनी हैं, यानी ये भी फक्कर हैं मनोबल से धनी, तो यही अर्थ हुआ ना कि विद्या जो है योगक्षेम का वहन करती है। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि ता कामना नाहीं, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। समुद्र जो है नदियों को बुलाता नहीं,
लेकिन अपने आप को परिपूर्ण और नीचे रखे हुए हैं। ऊपर के जितने जल के स्रोत हैं उसमें आएंगे ही। क्या कहाँ का है यह अनुवाद? आपूर्यमाण मचलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसंत यदवत तद्वत कामायम प्रवसंत सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। अरे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे बाबा, वो ठंडा पानी में सत्तु मत दिया करो, हमारा गला ही चौपट हो जाता है। समझ गए चौबे जी? हाँ समझ गए ना, वो गला ही हमारा चौपट हो जाता है। शाम क्या शाम का वर्णन चल रहा है, गला ही चौपट हो जाता नया प्रयोग नहीं या कहा तो बाह्य सुवर्ण भी उसको मिलता है, भूखे नहीं मरता। ग्रंथि बंधन ना करे मांगत में सब चाहे, इनके पीछे हर फिरे कहीं भूखे न रह जाए। क्या कहा? ग्रंथि बंधन ना करे मांगत में सब चाहे, इनके पीछे हर फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। ऐसा यही कहा, उसको सुवर्ण की प्राप्ति होती है, स्वर्ण लहरी तो प्राप्त होती है, धन भी उसको प्राप्त होता है। जो मीठा बोलेगा, व्यवहार जिसका मधुर होगा, स्वर्ण लहरी जिसकी उद्दीप्त होगी, वैसे भी लोग उसको धन देंगे ही। विद्या ही सरस्वती ही लक्ष्मी बन जाती है। क्या नारायण भगवान की जो उपासना करता है उसको लक्ष्मी जरूर मिलती है। महाभारत में लिखा है कि मेरे पतिदेव नारायण की उपेक्षा करके जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं धन कमाने के लिए, उनको कभी सुलभ नहीं होती। मुद्रा मिल भी जाए तो शांति सुलभ नहीं होगी, लेकिन मेरे पतिदेव नारायण की जो आराधना करते हैं उन्हें मैं जरूर सुलभ होती हूँ, धन धान्य से उनको परिपूर्ण करती हूँ। भगवान सुखदेव जी ने तो गालियाँ दी हैं भागवत में। क्या तुम्हारी बाहें टूट गई हैं तो दुर्मत धनियों के दरवाजे खटखटाते हो? वृक्षों ने क्या फल देना बंद कर दिया है कि दुर्मत धनियों के दरवाजे खटखटाते हो? सरताओं ने जल देना कहीं बंद कर दिया है कि दुर्मत धनियों के दरवाजे खटखटाते हो? सुखदेव जी ने गालियाँ दी हैं या नहीं? मंगलाचरण, हाँ, दुर्मत धनियों के दरवाजे खटखटाने वाले, न ईश्वर पर तुम्हारा भरोसा न प्रकृति पर भरोसा, ये ठीक नहीं। क्या कारण है कि भरोसा नहीं है? व्यक्ति कितना कितना नारकी जीवन व्यतीत करता है फिर भी वो नहीं चेतता है? माया दुरत्य या भगवान की माया है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, यही तो भगवान की माया है। क्या सुतवित लोक ईषणा तृप्तिनी कहकर चित्त कृत इन कृत न मलिनी, कहकर चित्त इन कृत न मलिनी, शायद ही कोई बचा हो। सुतवित लोक पुत्र ईषणा वित्त ईषणा लोकषणा के चपेट में व्यक्ति आ जाता है। कंचन तजना सहज है सहज तिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ए। पत्नी भी छोड़ दे धन भी छोड़ दे तो फिर मान बड़ाई ईर्ष्या का फिर अच्छा, इनकी ख्याति मुझसे दे दे, अब कम से कम कोई माला ही पहना देता भाई। इसलिए तस्य हितस्य सामनो या सुवर्णम वेदा भवति हास्य सुवर्णम तस्वैश्वर एव सुवर्णम भवति हास्य सुवर्णम या एवं एतत् सामना सुवर्णम वेदा। जो साम के सुवर्ण को जानता है, स्वर माधुरी ही साम का सुवर्ण है, इस प्रकार जानता है, शाम के धन को सुवर्ण को जानता है,
लौकिक सुवर्ण भी उसे प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। यही है, ऋषि मुनि जो होते थे अनुसंधान आदि में पड़े रहते थे। वाचस्पत मिश्र भामतीकार भामती टीका रात में चलती है ना, श्रृंगेरी में भामती टीका नहीं पड़ा था, वहाँ के शंकराचार्य को बताया, बहुत कठिन है वो श्रृंगेरी में, दूसरी जो टीका है उसको गम हाँ भामती वहाँ नहीं चला था। तो भामतीकार वाचस्पत मिश्र विवाहित थे उन दिनों तो बिजली आदि नहीं, दीपक से काम होता था। तो वो एक दिन उनकी पत्नी आई, देखा कि पतिदेव लिख रहे हैं और बत्ती अब ख़त्म होने वाली इधर है, तेल उसमें रखा, थोड़े बत्ती खिसका दिया। अच्छा कौन हो तुम? मैंने उनको ये भी नहीं ध्यान कि मेरी पत्नी है, ठाढ़ी के थे ना मधुबनी जिला में, हम लोगों की जन्मभूमि के पास के थे, ये भी नहीं ध्यान में कि ये मेरी पत्नी है। देखो भामती टीका का अर्थ लगाना, जिस गृहस्थ की देन है उसे ये नहीं पता मैं विवाहित हूँ और ये जो बत्ती खिसकाने आई है मेरी पत्नी है। भोजन आदि भी नहीं करते हैं, वो बना के दे देती थी, कर लेते होंगे उनको ये भी नहीं पता ही पत्नी है कौन। तो कहा कि तुम कौन हो? अब वो भी आजकल की होती तो चार सुनाती, उन्होंने कहा कि आपकी दासी हूँ, फिर भी नहीं कहा कि पत्नी हूँ। अच्छा दासी हो, ठीक है, क्या चाहती हो? तो नाम कहने का अभिप्राय था कम से कम वंश तो चले, पंडित जी तुम्हारा नाम क्या है? भामती, इस टीका का नाम लिख दिया भामती मैंने विवाहित व्यक्ति को ये ध्यान नहीं कि ये मेरी पत्नी है, दासी कहने वाली पत्नी है, नाम चले मानी इतने शीलवान रही होगी कि वंश चले। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो भी नहीं, जो इतने कठिन पंक्तियों का अर्थ लगाया उनको यार नहीं लगा अर्थ कि नाम चले का मतलब वंश तो कम से कम पंडित जी चलाओ। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या? भामती, लिख दिया इसका नाम भामती तो वाचस्पत में इसकी पत्नी का नाम भामती। तो जब गृहस्थों को ये नहीं होश, इन ग्रंथों में लगे रहने पर कि मैं विवाहित हूँ और ये जो सामने आती है मेरी पत्नी है, उन लोगों की महिमा कितनी रही होगी मुझे क्या, तब उन लोगों ने इस प्रकार का ग्रंथ लिखा या नहीं? कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिस पर वाचस्पत मिश्र की कलम न चली हो, छवो दर्शन पर उनकी टीका है, छवो दर्शन, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, कोई ऐसा दर्शन नहीं, अबाध गति तो वही है। तो पत्नी भी कैसे होगी, कैसे भोजन मिलता होगा? तो विद्या के बल पर भगवान भोजन देते होंगे। अयाची मिश्र एकदम साग पात खा के रहते थे, किसी कुछ मांगते नहीं थे, उन ब्राह्मणों ने ये सब दिया लो। हाँ जी कहाँ चल रहा था, यही 26वां भाष्य। शाम के सुवर्णत्व को जानता है उसे सुवर्ण भी प्राप्त होता ही है, अर्थात उपलक्षण, भूखे नहीं मरता, सुवर्ण भी प्राप्त होता है। एक बार हमने सोचा कि पूज्य स्वामी जी का शरीर पूरा हो गया खंडाजी महाराज का, मेरे जो नखरे हैं नखरे को कौन सहेगा? नखरा का मतलब स्वामी जी इतने बड़े विद्वान थे, महापुरुष अखंडानंद महाराज, उनके आश्रम पे हम रहते थे, लेकिन मुझे जो बोलना होता था दर्शन आदि पे बोल देते थे, और कभी कभी ये भी होता था कि उनका ही खंडन हो जाता था, लेकिन वो कभी नाराज नहीं, जानबूझ के नहीं, पर हो जाता था खंडन उनके आश्रम में ही रहकर। उनके चेहरे लोग को उबरा में होकर कि अगर दंडी स्वामी की ओर आँख उठा के देखा तो अब समझ लो कोई आश्रम में नहीं रह सकता, ये बहुत ऊंची बात है ना। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो हमने सोचा कि अब हमको यहाँ कौन रहने देगा,
उस समय चिन्मय आनंद जी, अमरनाथ मिश्र जी साथ में थे, एकताऊ जी साथ में थे, सोम एक साथ में थे, और कुछ लोग कहाँ कहाँ धर्मानंद आदि जी के शिष्य लोग आ जाते थे। इतने व्यक्ति को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या अतिथि तो अकेले होता है ना। स्वामी जी कभी कभी चुटकी लेते थे, अतिथि के अतिथि नहीं होते हैं, हम सुन लेते थे। तो गए कहाँ पर, शाहबाद। तो एक संस्कृत विद्यालय टूट गया था, भवन बना हुआ था, विद्यालय नहीं चल रहा। सरोवर आम का बाग, ओम जी से कहा कि कोई स्थान तो ढूंढना है, कहाँ रहेंगे। तो संस्कृत विद्यालय के जो कोई रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये भवन आपको दे सकता हूँ, आम का बाग है, सरोवर है, से बढ़िया स्थान क्या मिलेगा, लेकिन चलाने के लिए धन आपके पास। तो हमने कह दिया जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अरे आप व्यावहारिक बात कीजिए, हमने कहा हमारे पास यही धन है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। 10 लाख 5 लाख है, हमने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। उन्होंने कहा इससे क्या होगा। तो फिर अब देखो कैसे कैसे वो हरिहर आश्रम के फिर बना भी नहीं था। ईश्वर ने 2.5 साल से हम भग रहे थे, महाराज ने हमारा स्वास्थ्य खराब है, आके दर्शन तो कर लो कम से कम। वो फिर वो कि चिन्मयानंद महाराज से कहा कि भागने न पावें, हमको घेर करके रखा गया, शंकराचार्य पद पर बैठा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यही होता है कि जो इस विद्या की आराधना करता है वो सरस्वती उसकी लक्ष्मी भी बन जाती। अच्छा अब कौन सा चलेगा, 26वें का भाष्य। अथान्यो गुण सुवर्णवत्ता लक्षणों विधीयते, साम का गुण क्या है, सुवर्णवत्ता इसका लक्षण है, सुस्वरता इसका लक्षण है, स्वर माधुर्य असावपि सौवर्ण सौस्वर्यमेव। सुस्वरता चाहिए सामगान के लिए, व्यवहार संपादन के लिए भी। एतावान विशेषा, यहाँ इतना इतनी विशेषता है, क्या विशेषता है, वहाँ सुवर्ण वाणी को लेकर दिव्यता है, यहाँ नामा सुवर्ण को लेकर, सुवर्ण शब्द का प्रयोग है। पूर्वम कंठगत माधुर्य मेदम तु लाक्षणिकम सुवर्ण शब्द वाच्यम, पहले जो सुवर्ण कहा कंठगत माधुर्य स्वर माधुर्य के लिए है, यहाँ पर लाक्षणिक जिसके जीवन में स्वर्गत माधुर्य है उसको बाह्य जगत में भी सुवर्ण मिलता ही है। तस्य हि तस्य सामनो यह सुवर्णम वेदा भवति हास्य सुवर्णम, यह जो साम है उसके सुवर्ण को जो जानता है स्वर माधुर्य को, उसको बाहर भी सुवर्ण की प्राप्ति होती है, अर्थात भूखे मरता नहीं, उचित धन धान्य की प्राप्ति इस विद्या के बल पर, उपासना के बल पर उसे होती ही है। सुवर्ण शब्द सामान्या स्वर स्वर सुवर्णयो, सुवर्ण शब्द के दो अर्थ हैं, वर्ण वर्णमाला में भी तो वर्ण है ना, तो इसका अर्थ है सोना भी इसका अर्थ होता है, और सुवर्ण स्वर माधुरी को लेकर भी है, इसलिए इधर सुवर्ण स्वर माधुरी जिसके पास है बाहर से सुवर्ण की प्राप्ति भी धन की प्राप्ति भी हो जाती। ये नहीं कि एक घंटा गाऊँ तो कितना फीस कितने फीस दोगे, उस ढंग से नहीं, अयाचित होने पर भी उसको सुवर्ण की प्राप्ति होती। व्यक्ति की विद्या जो है उसका योगक्षेम वहन कर देती। लौकिक मेवा सुवर्णम गुण विज्ञान फलम भवती, हाँ स्वर में सुवर्णता है तो लौकिक जो सुवर्ण है इस प्रकार के गुण विज्ञान का फल उन्हें सोने की उपलब्धि उसे होती ही है,
सरस्वती की कृपा से, स्वर लहरी की कृपा से उसको बाह्य जगत में धन भी मिलता है, भूखे नहीं रहता। तस्य वै स्वर एव सुवर्णम, उसका जो स्वर है वही सुवर्ण है। भवति हास्य सुवर्णम यह एवं एतत् सामना सुवर्णम वेदा इति पूर्वत संबंध। निस्संदेह उसे सुवर्ण प्राप्त होता है जो साम के सुवर्ण को, साम की स्वर लहरी को विधिवत जानता है। उधर जाना इधर मिला। छब्बीसवा अब क्या भाष्य आनंदगिरी। सामनो गुणांतरम अवतार यति, एक गुण तो कहा, अब गुणांतर क्या है सामवेद का, साम का। अथेति अथान्यो गुण, अब उसके अन्य गुण का भी वर्णन किया जा रहा है। तरही पुनरुक्ति से तत्र एतावान इति, तब तो फिर पुनरुक्ति की प्रसक्ति होगी, कहते ऐसा नहीं। लाक्षणिकम कंठ्योयम वर्णो दंत्योयम इति, लक्षण ज्ञानपूर्वकम सुष्टु वर्णोच्चारणम ममैव सामशब्दित प्राणभूतस्य धनमिति यावत् नारायण। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इत्यसानाम दाल ताल ये सब। लाक्षणिकम कंठोयम, कंठ जो है लाक्षणिक है यह। इधर स्वर हो गया, इधर पुनरुक्ति नहीं है। वाणी में माधुरी भी हो गया, इधर कंठ के द्वारा उच्चारित अक ओ इत्यादि को इत्यादि। दंत वर्ण भी होते हैं, अष्ट संस्थान हैं। अको विसर्जनीया नाम कंठ इतसा नाम ताल उठसा नाम मूर्धा ये सब, और ये आठ स्थान ऊपर के हो गए। नौवां स्थान कौन है हृदय, दसवां स्थान कौन है नाभि। मूलाधार से शब्द लहरी चलती है, हृदय के द्वारा फिर ऊपर आती है। इस संबंध में चारों वाणी का सूक्ष्म स्वरूप जानना हो तो भागवत 11-12-17, श्रीमद् भागवत 11-12-17 को याद रखना चाहिए। स ये सजीवो विवर प्रसूति प्राणे न घोषे न गुहा प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म पैत्य रूपम मात्रा स्वरोवर्ण इति स्थविष्ठ। भागवत 11-12-17 में चारों वाणी का सूत्र रूप में सन्निवेश है यह का। और मुद्गल उपनिषद का एक वचन भगवान शंकराचार्य ने उद्धृत किया है। मुद्गल उपनिषद हमको मालूम है, पर भगवान शंकराचार्य का श्रुति वो मुद्गल उपनिषद में है। तम यथा यथोपासते तथै भवति, तम यथा यथोपासते तथै भवति। उपास्य की उपासना के फलस्वरूप व्यक्ति उपास्य भावापन्न होता है, उपास्य की ही प्राप्ति हो जाती है। पहले हम उपासना करेंगे, बाद में उपास्य ही हो जाएंगे। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में मांत्रिक याग में अधिकृत मनुष्य थे, लेकिन आज उस उपासना के प्रभाव से ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज जो देवराज इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अनुष्ठित थे, विधिवत उन्होंने देवराज इंद्र की उपासना की, जिस उपासना के फलस्वरूप आज स्वयं वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। सार क्या निकला भृगु जी? भूमंडल के अतिरिक्त जितने हैं मंडल हैं, लोक हैं, वहाँ जितने प्राणी हैं सब इसी के देन। आज कोई गंधर्व बना है तो पहले मनुष्य था ही, आज कोई पितर है, देवता है, देवराज इंद्र है, बृहस्पति है, ब्रह्मा है, तो समझ लेना चाहिए कि मर्त्य लोक में बृहद भारत में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना में अधिकृत व्यक्ति था। विधिपूर्वक उसने देवताओं की पितरों की आराधना की, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के बाद वह
गंधर्व बना, पितर बना, देवता बना, देवराज इंद्र बना, ब्रह्मा बना। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देने से क्या लाभ हुआ? व्यक्ति को नारकीय प्राणी बना दिया गया। व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को चमत्कृत कर सके, अपने और औरों के कल्याण में प्रयुक्त और विनियुक्त कर सके, इसके लिए क्या विधा होगी? वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही ज्ञान और कर्म में उत्कर्ष संभव है। देहात्मवादी जो हैं उनका ज्ञान और कर्म उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता, मरने के बाद वो चीटी चीटे वृक्ष इत्यादि बनते हैं। इसलिए इस भौतिक युग में भी अगर ज्ञान और कर्म को विकसित करना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान मार्ग का आलंबन अधिकार की संपदा में लेना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान और कर्म को विकसित करने का और कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य बनने के लिए उपासना करनी चाहिए, कम से कम अगला जन्म मनुष्य का हो, कीट पतंग न बने, वृक्ष इत्यादि न बने। ठीक, मनुष्य बनना है आगे। अरे तभी तो मनुष्य बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्रह्मचारी बने, फिर एकलौता बने, फिर वेदादि पाठ में आस्था भी है क्या? इतना पढ़ लिख के आप जो हैं चाहते तो 5 लाख 7 लाख रुपया महीना में कमा सकते थे। पिता भी आपको ऐसे मिले कि इकलौता पुत्र, फिर भी उन्होंने पूरा कहा भगवान के भजन में बेटा मन लगता है तो लगाओ, पुण्य की कमी है क्या? बहुत पुण्यात्मा है। याद कर लो श्लोक, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नन तरे सात महा भागवत 11। कभू इसका अनुवाद है, कभू करी करुणा नरदेही देत इस बिन हेतु सनेही। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, एक तो मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही सुलभ सुदुर्लभ है, वो मिल गया। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरुम सुखम कर्णधारम, फिर कोई उत्तम गुरु का प्राप्त हो जाना, फिर मेरी कृपा से वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाना, उसके बाद मैं मस्त बोला हो जाता हूँ। मनुष्य शरीर मैंने दे दिया, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दी, किसी सत्पुरुष से मिला दिया, उस ये मेरी कृपा हो गई। उसके बाद मैं चैन की बंसी बजाता हूँ, जो न तरै भवसागर नर्स समाज अस पाए शोकृत निंदक घोर मति आत्म हनि। अब आत्म कृपा पर निर्भर है, इस शास्त्र का गुरु का मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके भवसागर से तैरने का बानक बनावे। हाँ जी, कहाँ चल रहा था? असामनो गुणांतर अवतार यति तरही पुनरुक्ति स्यात् नहीं लाक्षणिकम कंठ्योष यम वर्णो दंत्यो यम इति। यह लाक्षणिक है, वर्ण भी, सुवर्ण का अर्थ दो हो गया, एक तो सोना एक सुवर्ण, वर्णमाला में जो वर्ण है। लाक्षणिक क्या हुआ? कंठ्यो यम ओ क ख ग घ, ये सब कंठ, कंठ के द्वारा उच्चारित, फिर दांत के द्वारा उच्चारित, ये जो 8 संस्थान हैं क्या ऊपर, व्याकरण के अनुसार अकार आदि वर्ण का उच्चारण करने के लिए 8 संस्थान हैं। उससे पहले हृदय है, उससे नीचे नाभिमंडल है। इसका वर्णन क्या हुआ? मूलाधार से मूर्धा पर्यंत, मूलाधार से लेकर मूर्धा पर्यंत यह शब्द लहरी वाक लहरी वर्ण लहरी है। इसके लिए 11, 12, 17 भागवत स एव सजीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहाम प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म
रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ परा वाक, फिर पश्चंती वाक, फिर मध्यमा वाक, फिर क्या है वैखरी वाक। यह यहाँ मूलाधार में परा वाक हो गए, मन में आकर के मध्यमा वाक, इस प्रकार कंठ में आकर के, फिर यहाँ आकर के वैखरी परा, फिर पश्यंती मन में, यहाँ पर मनोमयम, फिर यहाँ आकर, फिर यहाँ आकर के वैखरी वाक हो गए चार वाणी। फिर क्या करें, वैखरी वाक को मन में सन्निहित कर दें तो कौन से वाक हो गए, मध्यम। और वाक सन्निविष्ट मन को बुद्धि में कर दें तो पश्यंती, उस बुद्धि को आत्मा से अधिष्ठित अव्याकृत प्रकृति में सन्निहित कर दें तो परावाक। ठीक, वैखरी को मध्यमा, मध्यमा को पश्यंती, पश्यंती को परावाक, परावाक को पश्यंती, पश्यंती को मध्यमा, मध्यमा को वैखरी वाक प्रदान करने के विधा जिसको प्राप्त है वो सिद्ध हो जाता है। पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं, वाक के द्वारा व्यक्ति देखता है या बोलता है, लेकिन एक वाणी का नाम है पश्यंती। भोगी आँखों से देखते हैं, योगी शब्द से देखते हैं। जिस वाणी से योगी देखते हैं त्रिकालदर्शी, उस वाणी का नाम है पश्यंती। आँख से देखने वाले स्थूलदर्शी होते हैं, वो भी आवश्यक है, लेकिन योगी वाणी से देखते हैं। उस जिस वाणी से देखते हैं त्रिकालज्ञ होते, उस वाणी का नाम क्या है, पश्यंती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अच्छा, एतावान् विशेषपूर्वं कण्ठगत माधुर्यम् इदं तु लाक्षणिकं सुवर्ण शब्दवाच्यम्। अब ये लाक्षणिक है सुवर्ण, क्या हुआ, इस विद्या को जानेगा तो बाहर से सोने की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, वाणी में माधुरी को प्रतिष्ठित करेगा, और जिस शब्द अक्षर का जहाँ से उच्चारण होना चाहिए वहाँ से उच्चारण में कोई प्रमाद नहीं करेगा, तो बाहर से सुवर्ण भी मिलेगा। इसका मतलब वाणी में दिव्यता भी रहेगी। दो चीज़ है, सुस्वरता और शुद्धता। क्या वाणी के दो गुण कौन हैं भारद्वाज, शुद्धता। सुस्वर तो है, शुद्ध नहीं है तो दंत के स्थान पर तालव्य बोल देता है, तालव्य के स्थान पर दंत बोल देता है, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए वाणी में दो गुण होना चाहिए, सुस्वरता और शुद्धता। सुस्वरता और शुद्धता हो तब क्या होगा, बाहर भी सुवर्ण की प्राप्ति होगी, भूखे नहीं मरने देंगे भगवत भगवान। सरस्वती की आराधना करने वाले को लक्ष्मी अवश्य मिलती है, क्या सरस्वती ही उसके लिए लक्ष्मी बन के बरस जाती है। पूर्वम कंठगत माधुर्य मिदम तु लाक्षणिकम सुवर्ण शब्दवाच्यम तस्य हितस्य सामनो या सुवर्णम वेदा भवति यासि सुवर्णम। इस प्रकार से साम के जो सुवर्ण को माने स्वर लहरी को जानता है, भगवत कृपा से बाहर भी उसको सुवर्ण की धन की प्राप्ति होती है। सुवर्ण शब्द सामान्यतः स्वर सुवर्णयो है, सुवर्ण शब्द जो है स्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है और सोने के लिए भी, धन विशेष सुवर्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है। सोने का वर्ण बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको सुवर्ण कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके शरीर का आया वर्ण, शरीर की क्रांति गेहुआ रंग की हो सोने रंग की हो, वो बहुत तेजस्वी होता है। लौकिक मेवा सुवर्णम गुण विज्ञान फलम भवति, उस अलौकिक स्वर को जानने वाले को लौकिक सुवर्ण की प्राप्ति भी होती है। तस्य वै स्वर एव सुवर्णम, उधर तो स्वर ही सुवर्ण है, बाहर धन भी प्राप्त होता। भवति यहास्य सुवर्णम या एवं एतत् सामने सुवर्णम वेद इति पूर्ववत् सर्वम, पूर्ववत् ये सब है। क्या वाणी में सुवर्ण का अर्थ क्या है, शुद्धता और लालित्य, सुस्वरता और शुद्धता।
दो वाणी के गुण हैं, क्या हैं गुण? सुस्वरता भी हो और शुद्धता भी हो, ये दोनों गुण वाणी में हैं तो बाहर सुवर्ण मिलेगा ही, धन मिलेगा ही, भगवान भूखे नहीं रहने देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।